नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा में। और ये जो इंटरनेशनल बायर सेलर समिट हो रही है, यहां पर आप देख लीजिए 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक इंटरनेशनल बायर एंड 60 से ज़्यादा प्रोड्यूसर यहां मौजूद हैं। आज एक नई जानकारी आपको भैया प्रोवाइड कराएंगे कि जो आलू है, आलू का निर्यात कैसे किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिटी रखनी चाहिए होती है, कौन कौन सी स्थिति होती है, कौन कौन सी परिस्थितियों में किस देश में कैसी डिमांड होती है, टेबल वेराइटीज़ में कौन से देश पसंद करते हैं और प्रोसेसिंग वाली वेराइटीज़ कौन से देश पसंद करते हैं, तो मैं भैया से पूछ लेता हूं। नमस्ते भैया जी, मेरा नाम हमजत पटेल है और मैं एमपी इंदौर से बिलोंग करता हूं। और सर, जैसा मुझे पूछ रहे हैं कि आलू की क्वालिटी कौन सी एक्सपोर्ट होती है, तो देखो फार्मर अलग अलग देशों की अलग अलग डिमांडें होती हैं, उस हिसाब से हमको क्वालिटी मेंटेन करना होती है। जैसे अगर बहरीन में अपना यहाँ का FC5 और सेंटाना और फ्रेंच फ्राइज के लिए जो चलता है, अगर किसान भाई उस और LR पोटेटो होता है जो लाल कलर में होता है, तो उसका अगर उत्पादन करें तो उसकी डिमांडेबल आइटम यहाँ पे भी पॉसिबल है और एक्सपोर्ट के लिए भी पॉसिबल है। और सर, जैसा बोल रहे थे कि अपना टेबल वैरायटी में, तो टेबल वैरायटी में भी अगर साइज़ मेंटेन करें और क्वालिटी मेन चीज़ होती है, वहाँ पे एक पोटेटो के अंदर एक चमक और साइज 50 mm प्लस ही चलता है फॉरेन में। और वहाँ की जो पैकेजिंग होती है वो 3 किलो से 5 किलो की पैकेजिंग होती है, रेफ्रिजरेटर कंटेनर में अपने को उसको लोड करके भेजना होता है। और उसके लिए या तो अगर फार्मर करना चाहे तो कुछ फर्म रजिस्टर करके IC कोड लेके, IC कोड मीन्स एक्सपोर्ट लाइसेंस लेके उस कार्य को कर सकता है। और भारत सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी दे रही है कि कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, आपका माल कहीं भी पूरी दुनिया में या पूरे देश के किसी भी कोने में आप भेज सकते हैं। और सर, कुछ सवाल हैं आपके, बताइए। सवाल ये था, किसानों के बीच में एक भ्रांति ये होती है कि एक्सपोर्ट के लिए किसान एकदम वो हो जाता है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट के लिए क्या निर्धारित मानक और सीमाएं होती हैं? सर, एक्चुअल में क्या है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि एक्सपोर्ट में कौन सी क्वालिटी, कौन सी वैरायटी पसंद करते हैं। पहले तो फार्मर को वो देखना चाहिए कि इस देश के लिए अगर हम प्रेफर कर रहे हैं तो वो क्वालिटी हम उगाएं। और जैसे कि अगर टेबल वैरायटी में तो कौन सी वैरायटी उगाएं, और प्रोसेसिंग में तो कौन सी वैरायटी, अगर फ्रेंच फ्राइज के लिए चलता है तो सेंटाना, और ये 2-3 वैरायटी चलती हैं तो उसके लिए सेंटाना उगाएं। और फ्रेंच फ्राइज आप बता रहे हैं, हाँ सर, वैरायटीज बता दीजिए। सेंटाना करके वैरायटी आती है, वो फ्रेंच फ्राइज के लिए बेस्ट होती है क्योंकि उसकी लेंथ जो होती है फ्रेंच फ्राइज के लिए बेस्ट मानक होती है। तो वो चीज़ें उगाएं। और फार्मर मेनली यही चीज़ें हैं कि जो फॉरेन में डिमांडेबल है वही चीज़ उगाएं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी उगाएं और यहाँ मंडियों में ढेर करें, इससे अच्छा। और क्वालिटी मेंटेन करना होती है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फाइटो सर्टिफिकेट भी हमें यहाँ से दूसरे कंट्री को प्रोवाइड कराना होता है। अगर हम ज़्यादा पेस्टिसाइड और इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये क्या वहाँ से निर्यात के लिए बाधक चीज़ें होती है, और इन मानकों का हमें ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें रखना होती है। हाई, जैसे कि किसान जो है इस समय पर सरकार भी एक प्रोत्साहन चला रही है हाइब्रिड बीजों की ओर ज़्यादा अग्रसिव हो रही है, चाहे वो आपका CPRI हो, चाहे कोई भी बीज उत्पादक कंपनियाँ हो, वो हाइब्रिड को ज़्यादा महत्वता दे रही है। ऐसे में किसान जो है वो नहीं कॉन्फिडेंस कर पा रहा है कि प्रोसेसिंग करें या ये करें, क्योंकि अधिक पैदावार लेने के चक्कर में किसान टेबल को ही ज़्यादा पुकार रहा है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, आगरा का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो शायद मेरे जहाँ तक ख्याल है कि यहाँ पे चिप्सोनामन बहुत कम लोग लगाते हैं, क्योंकि ये लेट बल्कर है, मतलब लेट इसमें बल्क जो बनते हैं लेट बनते हैं, और अगर लेट ब्लाइट आ गई तो ये फिनिश हो जाएगा, उनको उत्पादन नहीं मिलता, इसलिए उसको लगाना प्रीफर कम करते। और यहाँ की जो 37-97 में वैरायटी है, जो टेबल वैरायटी है, उसको ज़्यादा इसलिए प्रीफर करते ताकि वो इजीली उनको प्रोडक्शन कम दिनों में भी अच्छा प्रोडक्शन दे देती है। इसीलिए अगर मैं बात करूँ 37-97 टेबल वैरायटी है, क्या ये प्रोसेसिंग में नहीं आती है? नहीं सर, नहीं, इसका ड्राई मैटर इतना अच्छा नहीं है, ये प्रोसेसिंग में नहीं आती है। ड्राई मैटर से ही एक ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ, ड्राई मैटर कौन कौन से प्रजातियों में पाया जाता है अच्छी क्वान्टिटी? सर, जिसे एक्चुअल में क्या था, सॉइल्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे आगरा की सॉइल या दूसरे स्टेट की सॉइल पे भी डिपेंड करता है। कुछ वैरायटी हैं यहाँ पे ड्राई मैटर कम आएगा, कुछ जगह जैसे गुजरात हो गया वहाँ ड्राई मैटर और कम आता है, तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है सर, वैरायटी इतना और नहीं रहती, पर कुछ वैरायटियाँ सिलेक्टेड हैं जिसमें कम, जैसे LR हो गया उसमें ड्राई मैटर बहुत कम होता है, अभी जैसे एक टोरस करके वैरायटी और आई है महिंद्रा की, उसमें भी डायमीटर कम आ रहा है, तो इन चीज़ों को अगर रखे तो ये चीज़ें आसानी से एक्सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा
समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है सर इनकी। इसी से अच्छा दाम किसान मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर वही वैरायटी उगाएंगे और ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाना और खूबसूरती होना और इवन साइज अच्छी बनाना, ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन करेगा फार्मर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको एक तो यहाँ गवर्नमेंट को अच्छा सीड प्रोवाइड कराना चाहिए और उनको भी अच्छा सीड परचेस करना चाहिए ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके अंदर कुछ डिजीज़ ना रहे, ताकि हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट हो तो वहाँ से कंटेनर रिजेक्ट ना हो कुछ डिजीज़। हर साल किसान, एक और बात है मैं किसान ये पूछ रहा, हर साल विदेशों से आलू की कितने देशों की डिमांड आती है एग्जैक्टली, यानी कि कितनी कंट्री की हर साल आ जाती है? सर जैसे मेनली हो गया मलेशिया, हो गया बहरीन, हो गया कतर, हो गया और गल्फ में भी जा रहा है अपना, तो सर मेनली बहुत सारे कंट्रियों की डिमांड है, बट क्वालिटी मेन है। क्वालिटी अगर कंट्रोल होगी तभी एक्सपोर्ट हो पाएगा। डिमांड तो क्रिएट हो जाएगी लेकिन हम उस मानक पे नहीं उतरेंगे जब तक, तो एक्सपोर्ट करना इसका मुश्किल। इसका अंतिम सवाल है, इसका मानक क्या होता है, किसान के क्या मानक का वो होना चाहिए? सर जैसे पैरामीटर्स ये होता है कि एक तो वो कौन सी क्वालिटी लाइक कर रहे हैं, ठीक है, वो क्वालिटी लाइक कर रहे हैं वही वैरायटी यहाँ लगाएं। जैसे सेंटाना मैंने जैसे बोला तो उसकी लेंथ अच्छी होती है तो फ्रेंच फ्राइज के लिए बेस्ट होता है, तो एक मानक ये हो गया। और उसकी कीपिंग क्वालिटी, उसको जैसे डिजीज़ नहीं आने दे, जैसे ब्लाइट वगैरह सारी चीज़ों से प्रिजर्व रखें, तो काफ़ी का मात्रा में उसको अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी तादाद पे डिमांड हर साल आती है भारत के सर, लेकिन किसान जो है उसकी क्वालिटी सर मैं बता रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में टेबल पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अपनी प्रोसेसिंग में, ताकि प्रोसेसिंग में क्या है कि सर उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आज उसको आपने उसका बाय प्रोडक्ट बना लिया तो उसकी सेल्फ लाइफ आपकी 3 महीने से उसको 1 साल कर लिया, तो उससे क्या वो प्रिजर्व हो गया, वो माल आपका ख़राब नहीं हुआ। किसान ने पैदा तो कर लिया, आपने ख़राब कर दिया, उसको सड़ा दिया, गला दिया, तो कोई मतलब नहीं निकलता, किसान को भी नहीं मिला और उसका और किसी को फ़ायदा नहीं मिला। तो प्रिजर्व करना ज़रूरी है और प्रिजर्व वैरायटी ही लगाएं ताकि वो लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक। आप फ्रेंच फ्राइज आपने बना ली 10 महीने तक, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपने स्टोर कर लिया है, ठीक है। किसानों को हमेशा से ऐसी प्रजातियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो प्रोसेसिंग वाली वैरायटी हैं, जो उनका सर ने बताया है, संटाना है, चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, फ्राइसोना, इंसोना, फ्राई ओम, LR है, और आपका शायद इस बार जो है नीलकंठ की डिमांड ज़्यादा है, नीलकंठ प्रोसेसिंग में आ जाएगा? नहीं 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 सर, नीलकंठ प्रोसेसिंग में तो नहीं आता है, लेकिन ये कभी नई वैरायटी जो निकाली है शायद सिप की वैरायटी है, तो इसमें शायद कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो एंटीबॉडी या कुछ शरीर के लिए हानिकारक जो पदार्थ हैं वो अपने शरीर से निकालते हैं और हमारे शरीर को बूस्ट देते हैं, तो इसलिए उसको प्रिफर कर रहे हैं साइंटिस्ट, तो अच्छी है सर। अब देख धीरे धीरे इसकी डिमांड लोगों को समझ आएगी तो इसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ेगी सर। कुल मिला के नीलकंठ जो उत्पादन कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है? यस सर, एंटीबॉडी जैसे शरीर के अंदर जो भी एक तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं और एंटीबॉडी है सर, तो उसके अंदर अपने को जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, इसलिए हो सकता फॉरेन में, जैसे कल सर की यहाँ मीटिंग थी तो उन्होंने बताया था कि पीरू में जो वैरायटियाँ हैं वो चिप्स की वैरायटियाँ उन्होंने रंगीन मतलब पोटैटो लगा रखे हैं, और उस बोले कि वहाँ के लोग यही प्रेफर करते हैं और आने वाले समय में पोटैटो से उन्होंने मिल्क बनाना शुरू कर दिया है। तो सर क्या है कि स्टार्च बन रही है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर यहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी डलेगी, और आगरा मेनली सर इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए, इंडस्ट्री अगर डेवलप होने लग गई तो यहाँ सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और किसान भी उस टाइप की वैरायटी लगाएगा जो लाइक करेंगे ट्रेडर्स, और मंडियों में आसानी से सेल में दिक्कत नहीं आएगी और इससे उनका इनकम सोर्स बढ़ेगा। धन्यवाद जी। तो ये थे मेरे साथ में एक्सपोर्टर जो कि आलू का वैश्विक निर्यात करते हैं, इनके द्वारा पूरी जानकारी आपको मेनली दी गई है, और काफ़ी आप लोगों से एक अनुरोध भी इनके द्वारा किया गया है कि आप सिर्फ वही प्रजातियों का आलू लगाएं जो कि मार्केट में डिमांड हो। विदेशों से अच्छी खासी डिमांड जो है भारत के आलू की आती है, लेकिन जो मानक होते हैं उन पर मानक खरा नहीं उतरते हैं, लेकिन फिर भी तो जो आलू है LR है, संताना है, आपका चिप्सोना है, फ्राइसोना है, इंसोना है, टारस है, कोलम्बो है, इसका अच्छा
का डिमांड जो है इससे यहाँ से पूर्ति होती है। यहाँ से आलू की भविष्य में बहुत ही असीम संभावना है कि आलू अच्छे उसमें दरों पर और अच्छे क्वांटिटी में विदेशों को निर्यात किया जाए। ऐसे में आप लोगों को भैया की सलाह काफ़ी अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।